प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। मार्च का महीना खत्म होने को है, अप्रैल शुरू होने में महज 2 दिन बचे हैं। 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष भी चालू हो रहा है। ऐसे में अप्रैल में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 1 अप्रैल से पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के नियम बदल जाएंगे। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। जानिए 1 अप्रैल 2022 से क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं, जिसका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़े नियम भी बदल रहे हैं। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से भुगतान नहीं हो सकेगा। म्यूचुअल फंड में भुगतान सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए ही किया जा सकेगा। 1 अप्रैल 2022 नए वित्तीय वर्ष में आम आदमी को एक और जोरदार झटका लग सकता है, क्योंकि अप्रैल से इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। 1 अप्रैल 2022 से पीएफ खाते पर टैक्स लगने लगेगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पीएफ को अकाउंट को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रूल 2021 को लागू कर रहा है। इसके तहत पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांट दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन अगर पीएफ योगदान इससे ऊपर होगा तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर टैक्स लगने लगेगा। गौरतलब है कि जनरल बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया था कि नए वित्त वर्ष में सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30% तक टैक्स लगाया जाएगा। यानी क्रिप्टो एसेट बेचने पर जो मुनाफा होगा उसका 30% निवेशक को बतौर टैक्स देना होगा। 1 अप्रैल 2022 से पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से मंथली इनकम कैश में नहीं मिलेगा, या अब सेविंग अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाता को सेविंग अकाउंट से लिंक करना होगा। हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस के दाम में बदलाव होता है। ऐसे में 1 अप्रैल 2022 को भी गैस के दाम में बदलाव हो सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1 तारीख से रसोई गैस के दाम में भी इजाफा हो सकता है। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 10,000 से बढ़ाकर 12,000 हो जाएगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रुपए कर दिया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।